हारमोनियम सीखने के लिए इस लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के निशान को और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम फिर से आप लोगों के लिए राजन जी की रामायण की चौपाई बहुत ही अच्छी धुन में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताऊँगा कि उन चौपाइयों को आप लोग हारमोनियम पर किस प्रकार से बजाएं और साथ में किस प्रकार से गाएं। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों चीज़ सीखने को मिलेगी, गाने का भी तरीका पता चलेगा और बजाने का भी पता चलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अगर काट काट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इन चौपाइयों का अंतरा है उन चौपाइयों का अंतरा बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से राजन जी ने गाया है। इसलिए अगर वीडियो को काट काट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा मैं गुनगुना के सुना दूँ ताकि जो लोग नहीं सुना है वो भी सुन लें और जो लोग सुना है वो भी दोबारा रिपीट कर लें ताकि बजाने में आप लोगों को आसानी हो। इसलिए थोड़ा पहले सुन लें कैसे। सुनो जननी सोए सुत बड़ भागी जो पे तुमातु बचन अनुरागी तनई मातु पितु तो से निहारा दुर्लभ जननी सकल संसार भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। तो इन्हीं चौपाइयों को हम आप लोगों को बताऊंगा कि हारमोनियम पर किस प्रकार से गाएं और साथ में किस प्रकार से बजाएं। तो इन चौपाइयों को हम आप लोगों को पहली काली से बताऊंगा, सी शार्प से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन चौपाइयों में कौन कौन से स्वर लगेंगे ताकि आप लोगों को बजाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सा लगेगा, कोमल रे लगेगा, कोमल गा लगेगा, शुद्ध मा लगेगा, शुद्ध पा लगेगा, कोमल धा लगेगा, कोमल नी, तार सप्तक का शुद्ध सा, कोमल रे और कोमल गा, बस इतने ही स्वरों में सारी चौपाइयाँ बजेंगी। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम चौपाई किस प्रकार से बजेगी सभी लोग ध्यान से देखेंगे कैसे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, ये कैसे बजाएंगे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी कैसे बजाएंगे, साथ से कैसे। नोटेशन देखें, सरे फिर इसके बाद क्या बजेगा, इसके बाद जो पे तुमातु बचन अनुरागी, ये कैसे बजाएंगे। जो पे तुमातु बचन अनुरागी कैसे बजाएंगे, धा से कैसे। नोटेशन देखें, धा पम पा ग पा पधा पम ग रे सा जो पे तुमातु बचन अनुरागी। अब देखेंगे आंतरा, आंतरा कैसे बजाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ही बता दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आंतरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंतरा स्टार्ट करेंगे तीव्र सप्तक के साथ से कैसे। तनई मातु पितु तो से निहारा, ये लाइन किस प्रकार से बजाएंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सा से। नोटेशन देखें, सारे
फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है दुर्लभ जननी सकल संसार। ये लाइन किस प्रकार से बजाएंगे, सा से। कैसे कैसे नोटेशन देखें, सा रे सा नी दा पा धा पा मा गा रे सा। दुर्लभ जननी सकल संसार। एक बार अंतरा दोबारा देख लें पूरा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कैसे। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। फिर इसके बाद क्या बजेगा, इसके बाद बजेगा भरत प्राण प्रिय पाव हे राजो विधि सब विधि मोहे सन मुख आजू। ये लाइन सेम उसी प्रकार से बजेगी जिस प्रकार से प्रथम लाइन बजाई थी। तो उम्मीद होगी आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।